हेलो एवरीवन आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि टीजीटी हिंदी बनने के लिए आपको क्या करना होगा क्या एलिजिबिलिटी है आप अगर एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट के तो आपको क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है होना आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट आई थी अगर आप दिल्ली से हो या कहीं से भी हो और अगर आप टी जी टी हिंदी बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहली चीज़ है बी ए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस ठीक है कंसर्न और अगर आप देखते हो या तो आप हिंदी में ऑनर्स करो ठीक है या फिर कोई आपकी एम आई एल लैंग्वेज में ऑनर्स करी हुई हो और बीए विद एमआईएल आई एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हैविंग 45 परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट विद वन एडिशनल लैंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल ये आपके पास होना चाहिए एम आई एल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में या फिर इक्वेलमेंट ओरिएंटल डिग्री इन एम आई एल कंसर्न फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर्स ओनली साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट इन एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मेट्रिकुलेशन और प्रोवाइडेड फर्दर दैट द दैट द रिक्वायरमेंट एज टू द मिनिमम ऑफ 45 परसेंट इन द एग्रीगेट शेल बी रिलैक्सेबल देखिए अगर आपको ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट है 45 फाइव परसेंट वाले इसमें रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएश मतलब पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है अगर आपकी उस एम के अंदर तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी एस सी से हैं अगर तो मिल जाएगी फिजिकली हैंडी हैं तो मिल जाएगी या आपके पास Uh, अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा है टीचिंग का तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल ठीक है भाई नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियस सी बात है हिंदी टीच डी बन रहे अगर आप बनने जा रहे हो तो हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए एंड शुड हैव क्वालिफाइड सी फ्रॉम सी सी और फिर उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड सब्जेक्ट कंसर्न एज मैं फॉर एटलीस्ट टू ईयर्सिंग द ग्रेजुएशन कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी द इलेक्टिव वर्ल्ड में ऑल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और पे स्केल की बात करें तो नौ हजार तीन सौ माइनस चौंतीस हजार आठ सौ प्लस ग्रेड पे है आपका छियालीस सौ रुपये और एज लिमिट की बात करें तो इसमें वही है भाई बत्तीस साल से नीचे नीचे ठीक है और एज रिलैक्सेशन जो है आपको एस सी अगर आप एस सी से हो एस टी से हो बी सी से हो तो अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलती है बाकी की बातें जो लिखी हुई हैं आप इसको पढ़ी सकते हैं जो जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल बातें थी वो मैंने आपको इसमें समझा दी हैं और भी इसमें कुछ लिखा हुआ है ये देखते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी मैथ बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी संस्कृत उर्दू पंजाबी बंगाली फ़िजिकल एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होम साइंस एंड इसके अलावा ग्राफिक्स कमर्शियल आर्ट्स पेंटिंग साइकोलॉजी एंड एन ये स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं समझ में आ रहा है आप सभी को इसको हम स्कूल सब्जेक्ट कहते हैं और अगर मैं आपको बताऊं कि इफ अ कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अपट क्लास अगर आपको एट्थ क्लास तक हिंदी पढ़ी है आपने या एथ क्लास से ऊपर पढ़ी है तो आपको हिंदी की नॉलेज है ये माना जाएगा तो ये कुछ बातें थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा या तो आपने ऑनर्स करी हो या फिर आपने एम के रूप में उस हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ा हो ठीक है अगर आप ये सब करके आ रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा और ये मतलब एसेंशियल है ये एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जय हिंद जय भारत